इधर खींच रहा है, दर्द होती है। हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बी सी अल्पा गेमर में आपका स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ये वीडियो बैज 99 की होने वाली, बैज 99 ज्ञान भाई से मिलने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं ज्ञान भाई कि क्या क्या हुआ और उसको देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। चलो प्ले करते हैं वीडियो को। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ लखनऊ क्योंकि अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कुछ दिनों पहले अपने ज्ञान भाई का एक्सीडेंट हुआ था। वो लखनऊ आए हुए थे घूमने के लिए, लेकिन वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली उनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें उन्होंने अपना राइट लेग खो दिया। काफ़ी शॉकिंग था ये सुनकर, मुझे एकदम विश्वास नहीं हुआ जब मुझे इस बारे में पता चला। ये देखो भाई ज्ञान भाई से मिलने आ गए। उसके बाद वो वहीं लखनऊ में एडमिट है, तो आज मैं उनको देखने के लिए जा रहा हूँ। देखते हैं कि अभी वो कैसे हैं, सुनने में तो आया उनकी रिकवरी हो रही है, जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों की प्रेयर्स है गाइज। वैसे पर्सनली आज तक मैं कभी दोस्तों ज्ञान भाई से नहीं मिला हूँ, ना ही गेम में। अच्छा। ना ही मैं कभी रियल वर्ल्ड में मिला हूँ, मतलब मैं उनको नहीं जानता हूँ पर्सनली, बट आई थिंक वो तो मुझे जानते ही होंगे। ये देखो दोस्तों, तो आज गाइज हम लोग जाने वाले हैं ज्ञान भाई से मिलने के लिए लखनऊ, अपने ज्ञान भाई से और आयुष तोंडे भाई सब वहीं पर है। तो उनमें से किसी को भी नहीं पता कि अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो आज जाके उनको सरप्राइज देंगे और मिलते हैं अपने ज्ञान भाई से, देखते हैं वो कैसे हैं। आप लोगों को भी मैं बताऊंगा गाइस क्या हाल चाल हो रहे हैं ज्ञान भाई के। फिलहाल तो मैं जैकेट वगैरह उतार देता हूं क्योंकि यहां तो हो रहा है बहुत ठंडा, लेकिन लखनऊ में होती है भीषण गर्मी। लखनऊ में जाके देखते हैं, फटाफट से पैकिंग करता हूं। आज मैंने अपनी ट्रेन की टिकट्स भी बुक करा रखी है दोस्तों, पहली बार आज ट्रेन में भी ट्रैवल करूंगा यहां से लखनऊ तक। तो चलते हैं गाइस साथ में लखनऊ, सभी को सरप्राइज करते हैं और मिलते हैं अपने ज्ञान भाई से। चलो भाई गाड़ी में बैठ के आ गए लग गए हैं, ये तो बहुत अच्छा किया क्योंकि वहीं से हमारी ट्रेन है। अभी हम हल्द्वानी जा रहे हैं, साथ में मेरा दोस्त भी आ गया, मेरे ख्याल से तेरा भी भाई फर्स्ट टाइम ही होगा। हाँ फर्स्ट टाइम भाई। तो गाइस अभी पहुंच गए हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे, अपना स्कूल का भी बैंगलोर से और भाई आ गए ज्ञान भाई से आ गए हॉस्पिटल में, और हमारा रूम नंबर है 203। फाइनली गाइस वेलकम हॉस्पिटल में आ चुके हैं और टोंडे भाई मिल चुके हैं इनसे पहले। पहले से गेट में तैयार है, मैं कब आऊंगा तुरंत मुझे वहां पे गेट पे मिले थे टोंडे भाई। अचानक से सफर करने के लिए आ गए हम लोग, एक्चुअल में घर लौटने वाले थे, तो दोस्तों देखते हैं ज्ञान भाई को कैसा लगेगा बैल 99 मिलने पर। आ गए अंदर और कितने कुछ लगा है एक्सीडेंट में देखते हैं। ब्रदर कैसे हैं? ये आ गए ज्ञान भाई, कैसा लगा सरप्राइज? लव यू आपने प्यारे प्यारे फूल आया यार भाई। चलो दोस्तों ये मिलने आ गए तो ज्ञान भाई से, अरे खुशी से यार दिखाने के फील लगने। लव यू कैसे भाई? बहुत अच्छा हो यार, शुक्रिया यार। अरे ऐसी कोई बात नहीं यार, आराम से बैठो। शुक्रिया शुक्रिया यहीं पर हम अभी। अरे वो इधर क्या पता है, इधर एक दिन से ना पाइप लगा हुआ था, ऐसे पाइप लगा हुआ था, तो पाइप आज ही निकला ना, तो उसका खींच रहा है वो। अच्छा अभी भी सुसू गया था, इधर खींच रहा है, दर्द होती है। अजय देखो भाई पैर में कितना लगा है, नीचे नीचे दर्द पूरा चलता है। बहुत लगी बहुत ज़्यादा लग गई इस पैर में। वैसे भी सोचा नहीं था यार मैं ज्ञान भाई से वैसे मिल पाऊंगा ना, इतना हम कभी गेम में मिले। लेकिन बात उसमें क्यों, अरे गेम तो बस एक बहाना है यार, मिलना ही का ही बहुत जरूरी है। तो भाई हम लोग जानते हैं कि ज्ञान भाई अपने फ्री फायर के सबसे पुराने हैं तोड़े भाई, सबसे पुराने। हाँ भाई हम लोग ने स्टार्ट भी नहीं किया था तब से स्ट्रीमर है, गोल्ड बिल्कुल हमारे गोल्ड। और ज्ञान भाई कब से जा रहा था भाई के साथ, खेलो कब से खेलो टाइम पुष्को टाइम पुष्को। हम लोग यार ज्ञान भाई जल्दी नहीं जा रहे हो ना, हाँ जल्दी नहीं जा रहे हो ना। अरे यही है आप टेंशन मत लो यार, आप यार आप हमारे वहाँ ना जिसने आपको बचाया ना उन्हीं को लेके आए हैं। कैची धाम गए थे ना आप ही, तो गाइस हमारा घर उसके पास ही है, तो आज से कोई टेंशन वाली बात है नहीं आपको ज्ञान भाई, भगवान की बजरंग बली खुद आपके पास चलकर आए हैं और आप कोई आपको टेंशन की जरूरत नहीं। हाँ भाई बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं ज्ञान भाई, एकदम क्या स्पीड में रिकवर हो गए आप देखना बजरंग बली की पावर। वो तो है ही, भगवान है, भगवान अल्लाह कुछ भी बोलो यार, साथ दिया तभी तो है। पैर जब कर गया था ना ये जो है ना क्या उसको ये मसल जो है ना इसको मैंने फाड़ा, मैंने पूरा टांग ऐसे फाड़ा। टुंडे भाई ऐसे बोल रहा है, टुंडे बोल रहे कि अरे भाई मैं सब रो रहा है एक्चुअली, मेरा भी हाल तो ऐसे ही है, मम्मी रो नहीं रहा था, एक बार चिल्ला ही नहीं जी, दर्द हो रही बगर पता नहीं मेरे को दर्द की पता नहीं, मैंने मेरे दिमाग में पैर में लगा हुआ था तो मैंने उसको फाड़ा पहले। तो फाड़ने के बाद फिर हम लोग टुंडे बोला टुंडे भाई मैं बचाऊंगा इसमें तो तुम काट दूंगा। कार में उठाया टुंडे भाई का ड्राइवर का टी शर्ट तोड़ा और मैंने खुद ही बांधा, इन लोगों का आइडिया नहीं था कुछ भी, और जो जो पैर उपाध में लेके आया मतलब पैर देखा वाला पैर भी लेके आओ, मतलब कुछ हो जाए तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं ऐसे सो गया था, मैंने दिल से बता रहा हूँ, पता नहीं मैं दिमाग में क्या आ रहा था, ऐसे में सो ऐसे
सो गया, तूने बोला गन्ना गन्ना है, गन्ना 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 है, तूने दिखा क्या दिखा रहे थे? ये टोंडे भाई हैं इधर, जो कि ज्ञान वैसे मिलने थे आए थे। कोई सा हालत नहीं, पता नहीं मेरे कब तक होश है मुझे पता नहीं चला। जब मैं आँख खोला देखा मैं आईसीयू में लेटा हूँ, आईसीयू की सारी बात मैं भूल चुका हूँ। ऑलरेडी तीन बार ऑपरेशन हो चुका है, थर्ड बार ये दो दिन तीन दिन पहले हुआ है ये वाला पैर का, तो मैं रो दिया, तो नमे को रो के फोन कर दिया। मैं सबसे ज्यादा दर्द होता है ना पेन, उस दिन हुआ मेरा चीख निकल गई मेरी। लेकिन यार इतना सब कुछ होने के बावजूद आपने मतलब असली ब्रेव मैन हो यार, मजा आ गया आपसे तो मिल के भी। वैसे सही बताऊँ मैं फ्री फायर में सबसे जो मेरे फेवरेट क्रिएटर्स थे जिनको मैं देखता था उनसे आदमी भी ज्ञान भाई तो असली कॉमेडी करते हैं। सल्यूट है आपका और टोंडे भाई को भी यार, मतलब ऐसी हालात में अच्छे अच्छे लोग मतलब बेहोश हो जाएंगे। जो हालत अभी ज्ञान भाई ने मुझे बताई, सोच के ही मुझे लग रहा है कि क्या खतरनाक उस टाइम माहौल रहा होगा। भाई जिस दिन हमारे अभी कुछ दिनों पहले वैसे मैं आयुष को फोन करके पूछ रहा था भाई ज्ञान भाई के क्या हालचाल, मैं तो डायरेक्ट इनको जानता नहीं था। आज वैसे मैं पूछ रहा था हालचाल आपके, तो मैंने कहा मैंने सोचा आप लोगों को सरप्राइज देते हैं। और फाइनली गाइस बैद 99 ने ज्ञान भाई से मिलकर काफ़ी तगड़ा सब्सक्राइब दिया। वीडियो में लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसी मज़ेदार वीडियो रहेंगे बड़े बड़े यूट्यूबर की।